अस्सलाम वालेकुम, मैं बिलाल खान हूँ और असर खान न्याजी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, इस लाइव स्ट्रीम में हमारा साथ देंगे। और असर खान साहब कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं बिलाल खान, कैसे हैं? ठीक हैं। सर, आपके जहाँ पर आप रहते हैं बड़ी बारिशें आजकल लगी हुई है, क्या सूरत हाल है? कोई सैलाब शिलाब आपके करीब तो नहीं आ गए? नहीं, एवरीथिंग इज फाइन। यहाँ पे सब हालात फिलहाल ठीक हैं, और ओके माकला में गुड। आपको पता है कि अच्छा मौसम होता है, तो फिलहाल तो चीजें ठीक हैं। ओके ओके, चलें जी। असर खान साहब, बात करेंगे थोड़ा सा रेवोल्यूशन में कि एक तरह से सल्तनत इमरानिया बनाने की कोशिश की गई और अब क्या हो रहा है इस मुल्क में? मुल्क का क्यों नहीं कोई सोच रहा? धरने बिठा दिए जाते हैं लेकिन मुल्क का कोई सोचने वाला नहीं है। इस मुल्क पे जो भी आता है ये जा और वो जा हो जाता है। क्या इसकी आप हिस्ट्री और बैकग्राउंड के साथ क्या वजाहत पेश करना चाहेंगे? देखें, पाकिस्तान की जो सियासत है वो पिछले 70 साल से एक हर एपोक में, अगर हम डिवाइड करें 70 ईयर में, तो हर साल हमारे पास एक कैरिज्मेटिक पर्सनैलिटी होती थी जिसके इर्द गिर्द जो है वो सियासत घूमती है। और वो पर्सनैलिटी जब भी चैलेंज बनती है एस्टेब्लिशमेंट को या अथॉरिटीज को या इलीट इंटरेस्ट को, तो उसको जो है वो फिर ओवरथ्रो करने के लिए सिस्टम को डिस्टेबलाइज करना जरूरी होता है। पाकिस्तान की जो मौजूदा सिचुएशन है ये तो बहुत ही मतलब कॉमन है। हिस्ट्री के जो स्टूडेंट्स हैं वो जानते होंगे कि पाकिस्तान पिछले 70 साल से ही ऐसा होता आ रहा है, और इट इज नॉट न्यू। लेकिन इस तरह न्यू इस वजह से लगता है क्योंकि सोशल मीडिया की जो प्रेवलेंस है वो बहुत ज्यादा हो गई है, तो इस वजह से आवाम तक खबरें बहुत ज्यादा पहुंचती हैं, तो लोगों को लगता है कि शायद इस बार कोई नई बात है। सेम हैपेंड इन 1977, जो जुल्फिकार अली भुट्टो साहब थे वो ज्यादा करिज्मेटिक, ज्यादा पॉपुलर लीडर थे इमरान खान से, और उसके लिए लोग अपने आप को आग भी लगा देते थे, जो अभी इधर केस नहीं है। और फिर जो है बेनजीर जब निकले 1988 के इलेक्शन में, तो उनके पास जो यानी कि पब्लिक पावर थी वो बहुत ज्यादा थी। सिमिलरली नवाज शरीफ 1996 में जो है वो स्वीप करता है और 2/3 मेजोरिटी लेता है, तो नवाज शरीफ के पास भी बहुत ही हाई पावर थी। फिर मुशर्रफ के बाद जो बेनजीर निकली तो वो भी, उनको फिर कैरिज्मेटिक पर्सनैलिटी थी, वापस आई तो आवाम को छाल दिया, तो चैलेंज हो गई और उनको भी साइड पे करना पड़ा। तो ये हमारी हिस्ट्री में इट इज कॉमन कि जब भी कोई बंदा एक एस्टेब्लिश सेट पैटर्न को चैलेंज बनेगा तो वो हमेशा जो स्टेक होल्डर हैं वो उसको किसी ना किसी तरह से दबाने की कोशिश करेंगे। और इमरान खान, जो आपने सल्तनत इमरानिया की बात की है, इमरान खान सल्तनत तो खैर नहीं बना सकते क्योंकि सल्तनत वाला अब दौर खत्म है, लेकिन दिमागी तौर पे हर बंदे के अंदर इतना घुस गए हैं, और ये एक किस्म से आई वुड से कि इट इज वेरी थ्रेटनिंग, क्योंकि जिस तरह से हमारी सिचुएशन सियासत की हो गई है तो हम डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं बर्दाश्त करते। इमरान खान के फॉलोअर्स भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बर्दाश्त नहीं करते। इसी तरह आजकल TLP का राइज हो रहा है, तो वहां पे बहुत खतरनाक है उनसे बातचीत करना। और बलोचिस्तान में देखें तो वहां पे रेजिस्टेंस हो रही है सेम बिल्कुल 1971 की तरह, जिसकी किसी को परवाह नहीं है। और जिस तरह ईस्ट पाकिस्तान में हालात 1971 में खराब हुए थे, तो यहाँ के पाकिस्तान के वेस्ट पाकिस्तान के लोगों को लगता था सब कुछ ठीक है। अभी बलोचिस्तान के हालात खराब हैं तो ये पंजाब में लगता है कि सब कुछ ठीक है। तो दीज थिंग्स यू नो आर नॉट कॉमन, और दीज हैपेंड इन हिस्ट्री। हिस्ट्री में ये हुआ है सब कुछ, लेकिन दोबारा से वो हिस्ट्री जो है वो रिपीट हो रही है। लेकिन आई वंडर कि ये जो एस्टेब्लिशमेंट अच्छे पावरफुल हल्के हैं,
उनके दिमागों को ये बात क्यों समझ नहीं आ रही, उन्होंने या तो हेरोडोटस जैसी हिस्ट्री की किताबें नहीं पढ़ी। आई वुड यहाँ पे एक वाक्य रेफर करूंगा कि हेरोडोटस ने हिस्ट्री की एक किताब लिखी, द हिस्ट्रीज, तो उसमें उन्होंने कहा कि जी ह्यूब्रस जो है ना वो बंदों को मार देता है। जो लीडर ह्यूब्रस का शिकार होते हैं कि मैं ही पावरफुल हूँ और मेरी तो पावर जो है वो अनचैलेंजेबल है, मुझे कोई खत्म नहीं कर सकता, तो वो डोम्ड है, वो आगे जाके बिल्कुल ही जो है तबाह हो जाते हैं, क्योंकि वो कंसोलिडेशन नहीं करते, रिकंसोलिडेशन नहीं करते, और इतने ह्यूब्रिस में होते हैं कि वो अनवांटेड डिसीजंस लेते हैं। तो उस जमाने में जो है हेरोडोटस एक क्रोसस से मिले थे, वाकया बयान करते हैं सोलोन का, एक कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट थे, तो बादशाह सलामत को मिले, बादशाह को कहा जी क्या हालात हैं, तो बादशाह ने कहा आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन द अर्थ, मुझे कोई चैलेंज नहीं कर सकता। तो उसने कहा बादशाह सलामत आप गलत हैं, आपको चैलेंज ये लगता है कोई नहीं कर सकता, इस वजह से आप हैप्पीएस्ट हैं, तो ये नहीं है ऐसा। हैप्पीएस्ट बंदा वो को उसने शेफर्ड बताया, वो हैप्पीएस्ट है जिसका कोई दुनिया में कोई जो है प्रॉब्लम नहीं है, कोई लाइफ की फिक्र नहीं है। साल बाद इन्वेजन हो गई क्रोसस के ऊपर, साइरस की, जिसको हम जुल्कर्नैन कहते हैं, सिकंदर जो हमारा सिकंदर है, मुस्लिम सिकंदर, जुल्कर्नैन जिसका कुरान में जिक्र आया है, तो उसको साइरस कहते हैं इंग्लिश में। साइरस ने इन्वेजन कर दी और उसकी सल्तनत तबाह हो गई। तो फिर जब मिला तो उसको पता चला, हाँ जी मैंने तो वो क्या कहते हैं बहुत प्राउड किया था कि मेरी तो सल्तनत ही खत्म नहीं हो सकती। सेम इज द केस जब अमेरिका इन्वेड कर रहा था अफगानिस्तान को, तो वहां पे भी जो है अमेरिका को लगता था कि हम इनविंसिबल हैं, तो वहां पे हिस्टोरियन ने अमेरिकन जनरल को कहा कि भाई साहब हेरोडोटस की हिस्ट्रीज पढ़ी है, तो उसने कहा भाई उसका क्या ताल्लुक है, हम सुपर पावर हैं। तो 20 साल बाद उसी हिस्टोरियन को मेरा कहता है यार हमें पढ़नी चाहिए थी, हमसे गलती हुई और हम अफगानिस्तान में मार खाते रहे। सेम इज द केस एस्टेब्लिशमेंट का, 1971 में मार कुटाई हुई, मार खाई, अभी भी ख्याल नहीं आ रहा कि मामलात हर वक्त फोर्स से हल नहीं होते, जहाँ पे फोर्स काम करना छोड़ दे वहां पे डायलॉग करना चाहिए। और इमरान खान के साथ जो है वो आई थिंक डायलॉग जरूरी है, क्योंकि नौजवान नस्ल जो है वो तबाह हो रही है, नौजवानों के लिए जरूरी है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो। अभी एक हमारा केपीके का दोस्त बता रहा था, पिछले 3 साल से उनका सिविल सर्विस का एग्जाम नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे पहले पीटीआई वालों ने गवर्नमेंट डिसॉल्व कर दी, फिर निगरान आए तो निगरान हुकूमत ने कहा जी हमारा क्या लेना देना है इससे, फिर ये गंडापुर साहब दोबारा आए, इंतहाई हैम हैंडेड और क्या कहते हैं फूल हार्डी टाइप के किस्म के, इंतहाई बदजबान बद अखलाक खड़ूस किस्म के आदमी हैं, और इन्होंने जो है वो बैन कर दी बरथी। तो अगर हमें इमरान खान को भी ये साबित करना है कि वो सबसे बेस्ट हैं, तो कम से कम गवर्नमेंट में बंदे भी बेस्ट लगाएं, गंडापुर जैसे बंदे ना लगाएं, और अच्छे पढ़े लिखे मोतबर जिनको बात करने की तमीज हो, जिनको बोलने की तमीज हो, जिनका किरदार अच्छा हो, जिनको पॉलिसी इश्यूज हो, जिनको नॉलेज हो, उनको लगाएं। आतिफ खान बैठा है उसको लगा दें, तैमूर झगड़ा है उनको लगा दें, ये इंतहाई क्या कहते हैं खड़ूस किस्म के इंसान को लगाने की क्या जरूरत। ये अभी सुना है कि यूनिवर्सिटीज की जमीन बेच रहा है, यूनिवर्सिटीज वगैरह जो खत्म कर रहा है, इसके अलावा क्या कहते हैं कि मतलब इनसे कुछ भी नहीं हो रहा। तो इमरान खान की हुकूमत जो केपीके में है वो उस तरह से डिलीवर नहीं कर रहे। इमरान खान को भी चाहिए कि थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो, क्योंकि कभी कभी पीछे हट जाना ही बेहतर होता है। इस वक्त मुल्क की खातिर थोड़ा सा एक कदम पीछे हटना जरूरी है, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो इंतहाई हट धर्म है, जिसने तारीख नहीं पढ़ी वो ऐसे डिसीजंस लेंगे, ऐसे डिसीजंस को बार बार दोहराएंगे जो मुल्क के लिए खतरनाक होंगे, जो मुल्क के नुकसान का बास बनेंगे। और जो एस्टेब्लिशमेंट की डिसीजन अभी ले रही है एस्टेब्लिशमेंट, तो वो वही 1971 वाली एपिसोड रिपीट कर रहे हैं, इनको लगता है कि ऑल इज वेल।
और बिल्कुल ही जो है वो कोई भी इनको क्या कहते हैं इंटरेस्ट ही नहीं है मुल्क के अफेयर्स में, तबाही की तरफ जा रहा है। नौजवान नस्ल मायूस होकर मुल्क छोड़ रही है। तो जब तक ये सिस्टम में क्या कहते हैं मुदाकरात नहीं होंगे, थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी सारी साइड्स को लानी होगी। और आई वुड से कि ये जो मौजूदा पॉलिटिकल क्लास है इससे हमें अब तौबा करनी चाहिए। 1980s की ये क्लास बैठी है अभी पाकिस्तान के ऊपर, और मेरी पैदाइश से 20 साल पहले की ये बात है। अब हमारी पैदाइश को 20-22 साल और हो गए हैं और अभी तक ये बैठे हैं, यानी कि 44 ईयर के अरसे में चार लीडर्स, चार फेसेस पॉलिटिकल तब्दील नहीं हो सके, मुल्क कैसे तब्दील होगा? तो ये सोचना चाहिए आवाम को भी कि हम इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो 1980 में भी बैठे थे 2024 में भी वही हैं, तो सिस्टम तब्दील होगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। 1980 वाली मेंटेलिटी जो है वो आज की मेंटेलिटी के बराबर नहीं है। और आज की जो मेंटेलिटी है, मॉडर्न स्टेट्स हैं, जस्टिन ट्रूडो यंग मैन लीड कर रहे हैं, फ्रांस में 35 साल का प्राइम मिनिस्टर है, सना मारिन 35 साल की, न्यूजीलैंड की 41 ईयर की प्राइम मिनिस्टर ने इस्तीफा दे दिया, मैक्रोन की 46 ईयर एज है, मोहम्मद बिन सलमान 35 साल का है, वो मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं भाई, वो आगे लेके जा रहे हैं मुल्क को। हमारे वही 1980 वाले मौलाना फजलुर रहमान, नवाज शरीफ, जरदारी, हमारे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है। और एस्टेब्लिशमेंट के दिमाग में भूसा भरा हुआ है, वही बार बार बंदे हमारे आगे ठोक देते हैं। तो आई थिंक ये एक सोच का मकाम है, हमें सोचना चाहिए कि हमें जो है अब इस पॉलिटिकल क्लास से छुटकारा चाहिए। और इमरान खान का मसला यहाँ पे नहीं है, मसला एज का है। 70 साल से ऊपर पार्लियामेंटेरियन बैठे हैं, कोई नौजवान नहीं है। आपकी 66% पॉपुलेशन की एज 30 ईयर से कम है, और 30 ईयर से कम आपके 2 से 3 नुमाइंदे हैं, वो भी इलीट हैं, जिनको एस्टेब्लिशमेंट ने खुद लाया है। जमाल रईसानी का बेटा है, वो बैठा है 26 साल का, क्योंकि उसके बाप ने जो है वो बलोचिस्तान में उनकी हेल्प की, तो इस वजह से बैठे हैं। तो हमें चेंज सर लाने के बात तो लिए है, देखो रिफॉर्म्स करनी पड़ेंगी। सर जेल में जो बैठा हुआ शख्स है सबको पता है कि किस कदर डरते हैं। देखिए सोशल मीडिया पे, आप मेन स्ट्रीम मीडिया पे खुद चले जाए, नाम लेना तक गवारा नहीं करते और तस्वीर नहीं दिखाई जाती। ये क्या है? ये सर खौफ है, ये डर देखें, है यहाँ सर। पे और मसला उसकी एक एक तस्वीर आती है पर्सनालिटी का पूरा नहीं इंस्टाग्राम है, जहाँ पे मसला एक पर्सनालिटी का नहीं है। इमरान खान का नाम कैपिटल जो टीवीज हैं, जितने भी या जितने भी होस्ट हैं वो ले सकते हैं, उनको कोई नहीं रोक सकता अगर वो लेना चाहें। ये जानबूझ के इन्होंने ट्रेंड बना लिया है कि इमरान खान का नाम आएगा तो बोलेंगे जी चेयरमैन पीटीआई। भाई व्हाट इज चेयरमैन पीटीआई? या इमरान खान तो चलो ठीक है जेल में बैठा है, लेकिन वो दुनिया से कम्युनिकेट कर रहा है, एक कंफर्टेबल सिचुएशन में है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो हिस्ट्री पढ़ता है बंदा, इसी वजह से बैठा है। मैं कह रहा हूँ ना कि हमारे लीडर जो हैं वो हिस्ट्री नहीं पढ़ते। इमरान खान हिस्ट्री पढ़ता है, उसको पता है कि मैं अब बाहर भी जाऊं तो हिस्ट्री में मेरी तारीफ होगी, क्या है टोका स्टैंड। लेकिन स्टैंड हर जगह 100% पत्थर की तरह खड़े हो जाना भी गलत है। यहाँ पे डायलॉग करें, आ जाएं बाहर, आ जाएं बाहर, आके आवाम को निकाल लें, कोई बात नहीं। डायलॉग जब हो जाए बाद में आप बेशक रिवॉक कर दें, या जो जर्नल हैं अभी इनकी नेक्स्ट ईयर में खत्म हो जाएगी सर्विस, उसके बाद को नया आएगा, उसकी नई प्रेफरेंसेस होगी, हो सकता है वो इमरान खान के फेवर में हो। प्रॉब्लम इज नॉट इमरान खान हेयर, प्रॉब्लम मुल्क का जो है वो यंग पॉपुलेशन है, जहाँ पे यंग पॉपुलेशन जब तक इन बूढ़ों को साइड पे नहीं करेगी मुल्क तब्दील नहीं होगा। मैं बार बार मिसाल बलोचिस्तान की देता हूँ कि बलोचिस्तान के इशू को एड्रेस करें। बलोचिस्तान में यंग लोग जो हैं वो मूवमेंट लीड कर रहे हैं, वो कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है, वो कोई इंडिया की कॉन्स्पिरेसी नहीं है, या कोई अमेरिकन फंडिंग नहीं हो रही, वो खुद नौजवान लोग निकले हुए हैं। मैं जानता हूँ, सर मेरे दोस्त निकले हुए हैं।
मारंग जो है वो कोई बाहर से पढ़ के नहीं आई, वो एक कामन सी बंदी है, उस कामन सा बंदा उसको अप्रोच कर सकता है। आप इन नौजवानों को मायूसी के हद तक ले गए हैं, ये अभी सारे पाकिस्तान में निकलेंगे। और पॉलिटिकल पार्टीज, आप जितनी भी रिलीजियस पार्टीज निकाल लें, वो कुछ भी नहीं कर सकती। तो इमरान खान यहाँ पे इशू नहीं है। लेकिन सर देखे ना, ठीक है, वीरे साहब कहते हैं कि बुजदिल, बुजदिलों की तो लड़ाई नहीं होती ना, लड़ाई हमेशा बहादुर लड़ा करते हैं। बुजदिल तो ऊपर ऊपर से बात करके चले जाते हैं, और जो लड़ाई होती है, हार या जीत का फैसला तो बाद में होता है, लड़ाई में लड़ने के लिए तो बहादुर उतरते हैं ना। बुजदिल तो बार बार से फैसला करके डीलिंग करके चले जाते हैं, तो वो बैठा हुआ तो है, उसे स्टैंड तो लिया है। आप किस तरह से कह सकते हैं कि वो खतरा है? लड़ाई हमेशा बुजदिल ही नहीं करते, बहादुर ही नहीं करते, लड़ाई हमेशा बहादुर ही नहीं करते, बेवकूफ भी लड़ते हैं। मैंने कहा है कि हर जगह पे स्टैंड लेना ठीक नहीं होता। 1191 में शहाबुद्दीन गौरी, जो मुसलमानों का हीरो है, उसकी पृथ्वीराज से लड़ाई हुई, पृथ्वीराज ने उसको मार कुटाई की, मरने ही वाला था कि वहां से भाग गया। क्यों भाग गया? क्योंकि उसको पता था कि ये मौका नहीं है यहाँ पे लड़ने का, आगे वक्त आएगा कि मैं पावरफुल होके दोबारा आऊं। 1192 में दोबारा आया और वहां पे फिर पृथ्वीराज को शिकस्त दी। अगर वो 1191 में बैटलफील्ड से ना भागता तो क्या वापस आता? हर जगह स्टैंड लेना ठीक नहीं होता, इसी वजह से मैं कह रहा हूँ यहाँ पे डायलॉग की जरूरत है। शहनशाह हुमायूं, आपको पता है बैटल ऑफ चौसा हुई शेरशाह सूरी और शहनशाह हुमायूं के दरमियान, हुमायूं की फोर्स जंग हार गई, हुमायूं ने दरिया में छलांग लगा दी वहां पे भागने के लिए। अगर वो भागने के लिए दरिया में छलांग ना लगाता और वहां पे खड़ा रहता, अपना सर कटा लेता, तो क्या मुगल अंपायर दोबारा बन सकती? 1556 में दोबारा उसने कब्जा किया। हर जगह मैं ये कह रहा हूँ कि इमरान खान का स्टैंड बिल्कुल ठीक है, इमरान खान का स्टैंड बिल्कुल ठीक है, लेकिन इमरान खान को मैं कह रहा हूँ कि इस टाइम पे मुदाकरात करने चाहिए, खुद को बाहर निकालना चाहिए, पब्लिक में होना चाहिए उसको इस वक्त। ये हुकूमत वैसे ही 2 साल से ज्यादा नहीं चल सकती। लीडरशिप की जो कारकर्दगी है वो काबिले सताइश नहीं है, क्योंकि पीछे से सिर्फ पार्टी में टुकड़े बनते जा रहे हैं, हमें ये नजर आ रहा है। और उसके बाद मैं एक और बात करना चाहूंगा कि जनाबे वाला, लोग हमें रेफरेंस देते हैं इमरान खान का, कि इमरान खान साहब ने यूएन में तकरीर की। सबसे पहले देखिए, पावर का एक कॉन्सेप्ट है कि अगर आपका मुल्क कमजोर है, आप उनसे पैसे मांगने जा रहे हैं और उधर जाके आप बड़े हाथ करके तकरीर कर देते हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। और आप हाथ खड़े करके कह देते हैं कि हम लड़ेंगे, लेकिन आपकी जेब में एक रुपया ना हो तो फिर आप वो देख सकते हैं सोसाइटी में किस तरह से एक शख्स इस तरह से रहता हो जिसकी जेब में एक रुपया ना हो और हर किसी को वो छेड़े के मैं आपसे लड़ूंगा, तो ये ऐसा कुछ नहीं होता। और ये ऐसी बातें आलमी दुनिया में कोई नहीं मानता, पाकिस्तान की, अब चाइना भी नहीं सुन रहा, जिस तरह से चाइना से हमारे ताल्लुकात थे वो दिन ब दिन खत्म हो रहे हैं। अच्छा सर, मैं आपसे एक और बात करना चाह रहा था, क्या समझते हैं, जब रूल हुआ था डेमोक्रेसी का, पाकिस्तान बना, डेमोक्रेसी आई, लेकिन हम किस तरह से डेमोक्रेसी को ब्लेम कर सकते हैं? क्योंकि देखे ना, आमरियत का दौर रहा है, 35 साल से ज्यादा सा इन्होंने हुकूमत किया, हुकूमतें बनी है, टूटी है। आप हुकूमत किस तरह से खड़ी है आप खुद देख सकते हैं, हुकूमत के जाने का हर शख्स को पता है, हुकूमत कमजोर खड़ी है, हुकूमत चली जाएगी, हर एक शख्स चलता है। डेमोक्रेसी को किस तरह से हम ब्लेम कर सकते हैं? देखें, डेमोक्रेसी की डिफरेंट टाइप्स हैं और हमारे पास जो डेमोक्रेसी की टाइप्स है वो बिल्कुल वर्स्ट है। काउंटिंग ऑफ नंबर्स जो है ये सबसे वर्स्ट फॉर्म है, क्योंकि देखें डेमोक्रेसी में क्या होता है कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, फॉर एग्जांपल एक एमएनए है और 100 मेंबर की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां पे अगर 49 बंदे आपको वोट देते हैं, 51 बंदे मुझे वोट देते हैं, तो क्या मैं जीता हुआ हूँ? इट शुड बी नॉट लाइक दिस वे कि मैं जीता हुआ नहीं हूँ, मेरे सिर्फ 2 वोट आपसे ज्यादा हैं। होना तो ये चाहिए कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन हो, कि भाई जो बंदा 70% से अबव वोट लेगा वो जीतेगा, वो कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करेगा। हमारे यहाँ ये सिस्टम नहीं है, ब्रिटिश में है कि वहां पे पार्टी को वोट मिलते हैं, सारे वोट काउंट होते हैं, उसकी प्रोपोर्शन पे फिर वो सीटें तकसीम करते हैं। अभी जो पीटीआई को वोट पड़ा है, पीटीआई को बहुत ज्यादा वोट पड़ा है। अब इसके ऊपर अगर सीटें जो हैं
वो मिलती तो हो सकता है पीटीआई को 300 सीटें मिल जाती पार्लियामेंट में, क्योंकि वोट ज्यादा पड़ा है। ठीक है, इस बेसिस के ऊपर सीटें होनी चाहिए, ना कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 6 उम्मीदवार खड़े हो जाएं, एक के 18,000 वोट हो, एक के 19,000 हो, एक के 20,000 हो, एक के 22,000 हो, और 22,000 वाला जीता हुआ हो। क्योंकि बहुत सी पॉपुलेशन तो 22,000 वाले के अगेंस्ट 19,000 वाले को भी दे रही है, 20,000 वाले को भी दे रही है, वो मिला के टोटल 39,000 बन रहा है। यानी कि 39,000 बंदे ने 22,000 वाले को रिजेक्ट किया है, लेकिन हम 22,000 वाले को जीता हुआ कह रहे हैं। डेमोक्रेसी का पहली बात है सिस्टम गलत है, दूसरी बात के डेमोक्रेसी को किस तरह से ब्लेम हम नहीं कर सकते। आप कह रहे हैं डेमोक्रेसी को ब्लेम इस तरह से हम कर भी सकते हैं कि जो भी डेमोक्रेटिक सिस्टम के थ्रू पावर आती है बहुत वीक होती है। पाकिस्तान में इतनी पावर्स बढ़ गई हैं, पॉलिटिकल पावर्स, पॉलिटिकल पार्टीज बहुत ज्यादा हो गई हैं। कोई 5 सीट लेता है, कोई 6 लेता है, कोई 10 लेता है। 3 बड़ी पार्टीज इस वक्त हैं, पीपीपी, पीटीआई, पीएमएलएन। इसके अलावा प्रोविंशियल पार्टीज, एएनपी है, बलूचिस्तान में 1-2 पार्टीज हैं। और ये जो पार्टीज हैं, फिर इनका वोट बैंक तो होता है, एथनिक होता है या नेशनलिस्ट होता है, जो भी होता है, तो ये गवर्नमेंट में आ नहीं सकती। ये फिर इनको अलायंस बनाना पड़ता है, अलायंस पे फिर कंप्रोमाइज हो जाता है और वीक हुकूमत बनती है। इस वजह से डेमोक्रेसी जो पाकिस्तान की है वो बहुत ही वीक है, और इस सिस्टम को रिफॉर्म करने की जरूरत है कि हमें एक क्वालिफाइड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए। वो इब्ने तैमिया कहते हैं कि हमें अहलुल हाल वल अकद उनसे पूछना चाहिए, इंटेलिजेंस के ऊपर जिनकी कैपेबिलिटी ज्यादा है वो लोग वोट करें, पावरफुल लोगों को मुंतखब करें, इंटेलिजेंट लोगों को, टेक्नोक्रेट्स को, और वो जो है साल 2 साल के बाद नए लोगों को जगह दें, या मैक्सिमम सर 4 साल लिमिट हो। तो हमें सर रिफॉर्म्स की जिसकी जरूरत है, हुकूमत डेमोक्रेसी का आती है कसूर नहीं है। वो जो हुकूमत से उतरता है वो ब्लेम करना शुरू हो जाता है, वो राज खोलना शुरू हो जाता है। अभी यही हुकूमत अगर उतरेंगे तो यही हकीकतें आश्कार करने लग जाएंगे। लेकिन क्या लगता है आपको, क्या इमरान खान साहब अगर इकतदार में आ पाएंगे, या इकतदार में आके जिस तरह से वो नजरियात बता रहे हैं, क्या प्रैक्टिकली ग्राउंड पे आकर काम करना हो सकता है ये काम जो वो चाहते हैं? इमरान खान इकतदार में पहली बात तो ये है कि अब नहीं आना चाहेगा, क्योंकि जो मुल्क की सिचुएशन है, तो ये इमरान खान तो क्या आप इधर रिफॉर्मिस्ट लीडर बड़े बड़े जो हैं मनमोहन सिंह को ले आए, या जर्मन के कॉनरेड अडेनवर को ले आए, या प्रैक्टिकल रियलिस्ट थिंकर आदम समेत को भी ले आए, यहाँ पे किसी को भी ले आए। इस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमी अगले 30 साल ठीक नहीं होगी। इस वक्त रेवोल्यूशनरी रिफॉर्म्स की जरूरत है, जो 10-20 साल चलेंगी तो तब ठीक होगा। इंडिया का हाल 1990s में यही था, उन्होंने रिफॉर्म्स यस की, 2010 के बाद आके तब्दीली आई। 1990 में रिफॉर्म्स की, 2010 के बाद इंडिया ऊपर उठना शुरू हुआ, 20 साल लगे उनको। इमरान खान आ भी जाए तो उल्टा बदनामी होगी, क्योंकि अभी भी आके इससे सिस्टम ठीक नहीं होगा। और ना इमरान खान, मुझे लगता है कि क्योंकि वो बुक्स वगैरह पढ़ रहा है, तो उसके लिए ये लीडर के लिए ये इम्पोर्टेंट होता है कि वो आवाम के दिलों में मशहूर रहे। जुल्फिकार अली भुट्टो ने भी इकतदार को इसी वजह से ठुकराया, जियाउल हक को शाह फैसल की सिफारिश आई थी, कदाफी की सिफारिश आई थी कि इसको छोड़ें, भुट्टो खुद नहीं निकला। भुट्टो ने कहा मैं हिस्ट्री का पार्ट बन गया हूँ, लोग मेरी तारीफें करेंगे, लोग हिस्ट्री में मुझे पढ़ेंगे कि भाई बंदा काम का था। सेम इज द केस इमरान खान को पता है कि अब हिस्ट्री में, पॉपुलर हिस्ट्रीज में मेरी तारीफें होंगी, वालदैन अपने बच्चों को बताएंगे कि इमरान खान एक था, इमरान खान जो है वो सिस्टम के खिलाफ खड़ा हुआ, इमरान खान ने सिस्टम को चैलेंज किया, झुका नहीं, बिका नहीं। ये स्टोरीज जो हैं वो ज्यादा मैटर करती हैं, तो मतलब और इमरान खान इकतदार मैं कहता हूँ आना ही नहीं चाहिए। आप इकतदार में आके अपने आप को गंदा करना है, इंस्टेड एक पॉपुलर मूवमेंट चलाएं, नौजवानों के लिए जगह पैदा करें। सिस्टम अपनी जगह पे रहेगा, और जो लोग सिर्फ रोडों की सियासत करना चाहते हैं उनकी सियासत फिर खत्म हो रही है। सर उसके बाद जरा मैं फिलहाल की बात करना चाहूंगा। सर पाकिस्तान में इस्लामाबाद में फैसल मस्जिद बनाई गई, और सलाफीज का जो कॉन्सेप्ट है कि
पाकिस्तान में इनकी तादाद को बढ़ाया जाए जो सऊदी अरब चाहता था, और जब इस मस्जिद को बनाया गया तो बड़ी फंडिंग की गई और इस तरह के बड़े इदारे कायम किए गए, मदरसा कायम किए गए। क्या कहते हैं सऊदी अरब का किस कदर हिपोक्रेटिक किरदार रहा है हिस्ट्री में? सऊदी अरब देखें, वो डिफरेंट स्टोरी है और वो अब काफी सियाने हो गए हैं, हमें मजहबी मामलात में धकेल के वो खुद मॉडर्न हो गए हैं। और सऊदी अरब ने फंडिंग की मदरसात वगैरह को ज़िया के दौर में, उसके बाद भी होती रही, अफगान जिहाद हुआ, उनका पर्पस ये था बेसिकली ईरान को काउंटर करना, क्योंकि उस वक्त ईरान में रेवोल्यूशन आया था और शिया रेवोल्यूशन पूरी दुनिया में, वो चाह रहे थे कि पूरी दुनिया में शिया रिवोल्ट करें। तो सऊदी अरेबिया बेसिकली अब बहुत आगे निकल गए, मोहम्मद बिन सलमान जो हैं वो कुछ और सोच रहे हैं, वो 2050 तक की थिंकिंग रख रहे हैं, हम अभी यहीं पे बैठे हैं कि 2025-24 में क्या होगा या कल क्या होगा। और रही बात सेक्टेरियनिज्म की जो आप कह रहे हैं, मेरे ख्याल में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इस्लाम ने आपको प्रिंसिपल्स दिए हैं। आपसे अगर कोई पूछेगा आप कौन हैं, फॉर एग्जांपल मगरब में आप जाते हैं, क्या आप ये कहेंगे कि मैं सुन्नी हूँ, मैं सलफ़ी हूँ, मैं शिया हूँ? उनको क्या पता भाई, मेजर डिवीज़न उनको शिया सुन्नी पता है, आप सलफ़ी कहेंगे या वहाबी कहेंगे या बरेलवी कहेंगे? तो फॉर एग्ज़ाम्पल, क्योंकि ये सारे फिरके एक दूसरे के अगेंस्ट भी हैं, अगर बरेलवियों के नज़दीक सेल्फी जो है वो फारिग हैं इस्लाम से, और कोई सेल्फी जो है वो तबलीग करता है यूरोप में किसी को, उससे वो बंदा उसके मसलक में आ जाता है, तो क्या वो जो अंग्रेज है जो मुसलमान हुआ है सेल्फी बन गया, वो मर जाएगा तो वो क्या जहन्नम में जाएगा? देखें ये बहुत हो गई है, मैं थोड़ा सा पॉलिटिकल, मैं एक बात ये बता रहा हूँ कि इस्लाम ने सिंपली आपको प्रिंसिपल्स दिए हैं कि अल्लाह एक है, हॉली प्रॉफिट लास्ट प्रॉफिट हैं, और कुरान जो है आपकी दीनी गाइड है, इससे आपने रहनुमाई लेनी है, तफरके में नहीं पढ़ना। मैं हमेशा ये कहूँगा कि हमें तफरके में नहीं पढ़ना, we should not get into the debate ke we should be salafis shia sunni, we should all be muslims, kyunki islam muslimanon ko address kar raha hai, wo shia sunniyon ko address nahi kar raha, to hamare liye zaruri hai ki hum islamic values ko follow kare, islamic principles ko follow kare, na ki hum kisi maslak ke jo hai pairokar ban jaye। सर नवाज शरीफ साहब बड़ा वज़ीर आज़म का नारा लेके आए थे इस मुल्क में, जब उतरे जलसे किए उन्होंने, एक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ था, क्या अंदर की बात आपको नजर आती है कि अब फिर से वो लंदन जाने की तैयारी में है, और मेरे ख्याल में डील टूट गई थी? नवाज शरीफ इज अ कोवर्ड, इंतहाई डरपोक आदमी है। अगर नवाज शरीफ मर्द मोमिन होता और जब इलेक्शन हार रहा होता तो खुद जाता जेल में इमरान खान को निकाल के, भाई अवाम ने आपको सेलेक्ट किया है, इमरान खान के साथ खड़ा होता, तो जो अब नवाज शरीफ को जलील कर रहे हैं वो फिर लाइन में होते। नवाज शरीफ ने बहुत बड़ी गलती की है कि जिनके अगेंस्ट वो था उन्हीं के साथ मिल गया, और ये शहबाज शरीफ की वजह से हुआ है, क्योंकि इनको वज़ीर आज़म बनने का बहुत नशा है। तो बेसिकली एक डेविड ऑन्स हैं, ब्रिटिश न्यूरोलॉजिस्ट, वो कहते हैं कि 70 साल से ऊपर बंदे को गवर्नमेंट की पोस्ट नहीं देनी चाहिए। बाइडन को हटा दिया है, 80 साल का है, अब वो प्रेजिडेंशियल रेस से बाहर है, वहाँ पर बहुत वावेला मचा है कि बूढ़ा हो गया है, इसका दिमाग काम नहीं करता। हमारा भी शहबाज शरीफ का दिमाग काम नहीं करता, नवाज शरीफ का भी नहीं करता, जरदारी का भी नहीं करता, खुर्शीद शाह का भी नहीं करता, ख्वाजा आसिफ का भी नहीं करता, लिस्ट है हमारी। जब तक इनको साइड पे नहीं करेंगे सिस्टम ठीक नहीं होगा, डरपोक बंदे की इस सिस्टम में गुंजाइश नहीं है। एक और बात यह भी है, नवाज शरीफ डरता है, पता नहीं किससे डरता है लेकिन बहुत डरता है। तो भाई ये मुल्क जो है, आप हुकूमत पाकिस्तान में करना चाहते हैं और रहना लंदन में चाहते हैं, आपके बाप ने तो मुल्क बनाया नहीं है, आपके बाप का तो है नहीं,
हमारे बाप दादा ने इस मुल्क के लिए कुर्बानियां दी हैं भाई। हमारे मामू 1971 की वार में बांग्लादेश में लड़े हैं, वहां पे कैद हुए हैं। आपने इस मुल्क के लिए क्या कुर्बानियां दी हैं? हम लोगों ने खून बहाया इस मुल्क के लिए और नौजवान इस मुल्क के लिए कुर्बानी दे रहे हैं, नौजवान सड़ रहे हैं। इनकी जो ताकत की गेम है, इन्होंने लंदन चले जाना है भाई। जिन्होंने हमें 200-300 साल तक लूटा है, हमें भाई जाके वही मजा आता है। ऐसे लीडरों को तो पॉइंट ब्लैक पे सजा देनी चाहिए भाई। आप पाकिस्तान की आवाम का नारा लगाते हैं, खुद लंदन चले जाते हैं। आप गांधी की तरह, मैं आपको एक बुक दिखाऊं, इधर मैं गांधी की पढ़ रहा हूं और ये बुक है, ये तकरीबन कितने पेजेस हैं, 700 पेजेस हैं। ये गांधी की बायोग्राफी है, रॉबर्ट पायन ने लिखी है। ये बंदा गरीब के साथ झुग्गियों में रह रहा है। इंडिया की पार्टीशन हो गई है, हुकूमत बन गई है, लेकिन ये बंदा गांव में मुसलमानों के साथ रह रहा है, उनको प्रोटेक्ट कर रहा है, मुसलमानों के लिए रोजा रख रहा है कि पाकिस्तान को अपना शेयर दो। ये मुसलमानों के साथ मिलके उनको पाकिस्तान ट्रांसपोर्ट कर रहा है, दिल्ली में इनको सिक्योर कर रहा है, और हफ्ता हफ्ता रोजा रखता है, सिर्फ जूस पीता है, लीमू पानी पीता है, खाना नहीं खाता। ये होते हैं लीडर जो कि पूरी एक अंपायर को टक्कर देते हैं, गरीबों के साथ रहते हैं, गरीबों की तरह। देखें ये लिबास जो है, ये सिर्फ शाल ओढ़ता था कि मैं क्यों ब्रिटिश कपड़े पहनूं भाई, वो फैक्ट्रीज में बनते हैं। पाकिस्तान के नवाज शरीफ साहब जो लीडर खुद को मानते हैं भाई, लंदन क्यों भाग के जाते हैं, हमारे साथ बैठे हैं। हम इधर अगर 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे लोड सेटिंग में हम नौजवान लोग रह सकते हैं, हम आम लोग रह सकते हैं, तो आप हमारे हुकूमत ऊपर हुकूमत करना चाहते हैं, आप क्यों नहीं रह सकते भाई? तो ये तो इन्होंने मुल्क को तो बाप की जागीर बनाया हुआ है। ये अभी मेरे पास एक और किताब है जो कि चे गुवारा के ऊपर है, ये अभी मैं पढ़ रहा हूँ। ये दो बंदे चे गुवारा और फिडेल कास्ट्रो हैं, और चे गुवारा जो है ये डॉक्टर था, मेक्सिको का सबसे खूबसूरत नौजवान था, और ये जो फिडेल कास्ट्रो है ये मेरे ख्याल में लायर था। जंगलों में रहे हैं, गरीबों के साथ रहे हैं, तभी इनकलाब आए, और इनकलाब तभी आते हैं जब आप गरीब आदमी के साथ होते हैं, तब गरीब आदमी आपको सपोर्ट करता है। ये नहीं है कि आप लंदन भाग जाएंगे तो इनकलाब आ जाएगा, आपको हुकूमत मिल जाएगी। लंदन में बैठ के आप इस मुल्क के ऊपर हुकूमत तो करना चाहते हैं, लेकिन इस मुल्क में रहना नहीं चाहते। तो ये पाकिस्तानी आवाम को सोचना चाहिए, नौजवानों को सोचना चाहिए भाई, अब निकल के इनसे जान छुड़ानी पड़ेगी। 1980 वाली मखलूक, डरपोक मखलूक यहाँ पे काम नहीं कर सकती। नवाज शरीफ के बारे में मैं यही कहूंगा। नवाज शरीफ साहब, आपने कहा कि किससे डरते हैं, डरते उन्हीं से हैं जिनको, जो मेजर जनरल बनते हैं तो 50-50 एकड़ की जमीन दी जाती है। डरते उन्हीं लोगों से हैं जो लोगों को इस मुल्क में उठा रहे हैं, डरते उन्हीं लोगों से हैं जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ वालों को जलसा नहीं करने दे रहे, डरते उन्हीं लोगों से हैं कि एक सियासी पार्टी का झंडा देखने से डर जाते हैं जो लोग, उन्हीं से नवाज शरीफ साहब डरते हैं। और उसके बाद जनाब आज की इस लाइव स्ट्रीम का इख्तिताम करेंगे। जो बातें, जाहिर बातें हमने की हैं, आपको लाख के इख्तलाफ होगा इन बातों से, लेकिन जरा सोचिएगा सर कि क्या आया आपकी राय में क्या दम है या हमारी राय में दम है, क्योंकि बड़ा सोच विचार के बाद हम भी बात कर रहे हैं। असर खान साहब भी बड़ा एक पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट है और बड़ा इस पे थॉट रखते हैं और जानते हैं कि वो क्या बोल रहे हैं। असर खान साहब, मैं ठीक कह रहा हूँ? बस हम थोड़ा बहुत हिस्ट्री के थ्रू एंगल से थोड़ा हमारा क्या कहते हैं नजर बड़ी हो जाती है, तारीख के स्टूडेंट हैं, लेकिन हमारा क्या ओपिनियन, हम तो एक आम से बंदे हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि लोग कुछ सोच विचार जरूर करेंगे। गलती किसी और की होती है, सजा किसी और को मिल जाती है, और फिर ख्वाहिशें इतनी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, फिर भी मेरे अरमां कम निकले।
इस शेर के साथ हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां मगर फिर भी कम निकले। तो इसी शेर के साथ इख्तिताम करेंगे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। आसर खान साहब का चैनल है, मैं लिंक दे दूंगा, बड़ा ही उनका सोफिस्टिकेटेड पॉइंट ऑफ व्यू होता है, सुना करें आप। और इंशाल्लाह लाइव स्ट्रीम एक बार फिर से होगी। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।